अच्छा, अभी हाल ही के दिनों की मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे एक परिचित हैं, उनके WhatsApp पे स्टेटस उन्होंने एक लगाया था जिसमें वीडियो डाल रहे होते हैं। तो उस वीडियो में वो दिखा रहा होता है कि दो लोग बात कर रहे होते हैं और राजनीति की बात होती है। तो बात बात में एक मित्र से पूछता है कि इस बार तुम वोट किसे देने वाले हो। तो सामने वाला बंदा कहता है कि ना तो देखो मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ और ना ही BJP का, लेकिन मैं वोट उसी व्यक्ति को देने वाला हूँ जिसके जीतने पर खुशी देश मनाता है, ना कि कोई और देश जैसे पाकिस्तान इत्यादि। अपने मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, ऐसे समय में हमें अपनी सरकार, अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए वोटर आईडी की आवश्यकता होती है। तो अगर आपके पास वोटर आईडी होगा तब ही आप अपने मन की सरकार चुन सकेंगे, तभी आप अपने मन के नेता चुन सकेंगे। तो सबसे पहले आपको लोकतंत्र का हिस्सा बनना है, और मैं तो कहता हूँ बनना ही चाहिए। तो अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो वो ज़रूर बनवा लें, क्योंकि उसी के बलबूते पर आप अपने अनुसार एक प्रतिनिधि चुन सकेंगे।